नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। T20 विश्व कप में आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। आज टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आज पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत करते हुए अपनी टीम के लिए करारे प्रहार किए। आज एक बार फिर से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की साझेदारी पूरी की। आज सेमीफाइनल का मुकाबला है तो ऐसे में दोनों खिलाड़ियों ने ग्रुप स्टेज से भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। बता दें कि बाबर आजम और रिजवान की जबरदस्त बल्लेबाजी के बदौलत आज पाकिस्तान ने पावर प्ले यानी कि बल्लेबाजी में पहले 6 ओवर्स में इस विश्व कप में अपना सबसे बेहतर खेल दिखाया है। पाकिस्तान ने पहले 6 ओवर में आज एक बार फिर बिना विकेट गवाए 47 रन जोड़े। पाकिस्तान ने इस विश्व कप में अभी तक इससे पहले सबसे ज़्यादा रन्स पावर प्ले के दौरान भारत के खिलाफ लगाया था, जब बाबर और रिजवान ने मिलकर 43 रन जोड़े थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस विश्व कप में आज फिर से पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गवाया है और ये पाकिस्तान ने इस विश्व कप में चौथी बार करके दिखाया है, जो दूसरी टीमों की तुलना में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।